एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ सबका मनपसंद पास्ता, बच्चों से लेके बड़ों तक ये सबको पसंद है। आज मैं आपको दिखाऊंगी बिना सॉस के फटाफट पास्ता हम लोग कैसे बना सकते हैं। घर में अवेलेबल दो तीन चीज़ों से ही मैं आपको ये सॉस बना के दिखाऊंगी। पास्ता मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करने के लिए रखा था। आप देख सकते हैं पास्ता हमारा कैसे खिला खिला रेडी है। और इसमें 1 चम्मच ऑयल मिक्स करने से चिपकेगा नहीं, नॉनस्टिकी रहेगा। पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप चाहे तो बटर या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। सॉस के रिप्लेसमेंट में मैंने यहाँ पे एगलेस मेयोनीज लिया है, आप चाहे तो कौन सा भी मेयोनीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेल मोंटेस का एगलेस मेयो लिया है। मैंने यहाँ पे 2 छोटी हरी मिर्च भी ली है, आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा ग्रीन ओनियन लिया है। ये मैंने थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ लिया है। और यहाँ पे मैंने स्मिथ एंड जोस का पास्ता मसाला लिया है, आप कौन सा भी पास्ता मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए पैन गरम करके रखा है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप ऑयल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मिर्ची हमारी फ्राई हो गई है, इसमें हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और आधे मिनट के लिए फ्राई करते हैं। ये हम लोग बच्चों के लिए भी बना लेते हैं, इसमें मैंने हरी मिर्च ज़्यादा नहीं यूज़ की है, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे और उसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अगर आपको चीज़ी पास्ता पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ यूज़ करें। पास्ता हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम लोग पास्ता मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे रेड पास्ता मसाला लिया है, आप चाहे तो व्हाइट सॉस पास्ता मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मसाला मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हम लोग मेयोनीज भी यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल देते हैं और इसे हल्के से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मेयोनीज डालते हैं। आपको जितना मेयोनीज पसंद है या क्रीमी टेक्सचर पसंद है तो आप वैसे ही मेयोनीज डालें और इसे धीरे धीरे मिक्स करें ताकि हमारा पास्ता टूटे ना। पास्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। धीरे धीरे इसमें चीज़ एंड मेयोनीज का क्रीमी टेक्सचर फॉर्म होगा। आप देख सकते हैं हमारा पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है, हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से पका लेते हैं। हमारा चीज़ एंड क्रीमी इंस्टेंट पास्ता रेडी। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। मैं इसे ग्रीन ओनियन से गार्निशिंग करूँगी। आपको ग्रीन ओनियन पसंद नहीं है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या बच्चों को ऐसे ही दे सकते हैं। आप देख सकते हैं पास्ता हमारा कितना क्रीमी, चीज़ी एंड नॉन स्टिकी है। बहुत ही सॉफ्ट पास्ता हमारा बना है। तो आप भी घर में ये पास्ता बना के देखें और बच्चों को टिफिन में देखे देखे कैसे फटाफट पास्ता हमारा बन चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।